इस गार्डनिंग ब्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहला वे वाटर के इम्पॉर्टेंस। सेकेंड पिटोनिया की पिंचिंग के इम्पॉर्टेंस और वाटरिंग स्केड्यूल के बारे में भी मैं बात करूँगी। तीसरा स्ट्रॉबेरी में वे वाटर देना या किसी भी वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट में वे वाटर की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, कब देना चाहिए, कैसे बनता है, सब कुछ इस गार्डनिंग ब्लॉग में मिलेगा। सर्दियों में वाटरिंग स्केड्यूल क्या रखना चाहिए, कौन से प्लांट के लिए क्या वाटरिंग स्केड्यूल होता है एंड वगैरह वगैरह। इतना सारा काम करके मैं थक ना जाऊँ, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स्थ मेरा जो काम होगा वो होगा डेड हेडिंग करना क्रिसांतमम यानी गुलदाउदी की, क्योंकि अब गुलदाउदी का टाइम आ चुका है, वो चंदा मेरिया गाने वाला ही है, तो मैंने सोचा हार्ड प्रोनिंग पिंचिंग ट्रिमिंग सब कर डालूँ इसके साथ। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माई गार्डन या माई प्लेस। आज की गार्डनिंग ब्लॉगिंग मेरे साथ है मेरा ट्राईपॉड, मेरा सुख दुख का साथी। तो ये है मेरा टेरेस, आप सबने मेरा टेरेस को पहले भी देखा होगा। मैं यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, और अगर आप अपनी लाइफ में कभी किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो तो एक पौधा लेकर आइए अपने घर और उसकी देखभाल करिए, आप अपने अंदर खुद ब खुद एक चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। आज मैं अपना व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बंदरों के अटैक से। वो लेमन ग्रास देखा था ना जो बेंड हो गया था, वो बंदरों ने किया है। हाँ, टमाटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया उनका, क्योंकि टमाटर ज़्यादा लगे ही नहीं है, मैं ऑलरेडी सारे हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, अब नए प्लांट्स लाऊंगी। और ये है मेरे पिटोनिया जिसमें वाटरिंग की सख्त ज़रूरत है। मैं 3 दिन बाद आई हूँ टेरेस पर क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी और इसको पिंचिंग की भी बहुत ज़रूरत है, तो मुझे पिंचिंग और क्या करना है वॉटरिंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम पिंचिंग से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है ये। अगर पिटोनिया और बाकी फूलों में बंच में फ्लावर्स चाहिए तो पिंचिंग शुरू कर दीजिए। पिंचिंग का मतलब होता है जो पुराने फूल ब्रांचेस पुराने हो गए हैं हमें उनको रिमूव कर देना है, जैसे हमने डेड हेडिंग में करते हैं। पिंचिंग करने से न्यू फ्लावर्स आते हैं और न्यू स्टेम्स और ब्रांचेस आती हैं, उनका इंक्रीमेंट होता है। पिंचिंग करने से जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी सीड पॉड बनाने में वेस्ट नहीं करेगा, ताकि वो नए बर्ड्स बनाने में यूटिलाइज करेगा अपनी एनर्जी। वो देख रहे हैं इतने ज़्यादा मैंने फ्लावर्स पिंच करे हैं। अब मेरा दूसरा काम है डेड हेडिंग करना। डेड हेडिंग के साथ जब भी आप अपने किसी भी प्लांट में सूखे फूल और ब्रांचेस देखें तो उसको तुरंत रिमूव कर दें यानी हटा दें। ऐसे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्लांट देखने में भी सुंदर लगता है। यह है मेरी गुलदाउदी, जाने का टाइम आ गया है इनका, तो मैंने सोचा है कि जितने भी डेड फ्लावर्स हैं वो रिमूव कर दिया जाए। और अब ये है मेरी स्ट्रॉबेरी, इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं, फ्रूट्स भी आना लगना शुरू हो गए, तो मैं सोच रही हूँ इसको वे वाटर दे दिया जाए। मेरे ख्याल से वे वाटर काफ़ी अच्छा होगा, मैं 2-3 बार फीड करा चुकी हूँ, ट्वाइस इन अ मंथ, थ्राइस इन अ मंथ। गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, राइट। एंड ये है मेरे नैनीताल के मैरीगोल्ड्स, ये मैंने प्लांट तो जा चुका है पर इनके फ्लावर्स मैं रख रही हूँ, सीड्स बनाऊँगी। और जो देखने वाली बात है वो है जुकनी। जुकनी मैंने अपनी गार्डन में पहली बार लगाई है एंड इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मैं 3 जुकनी ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और 2 जुकनी अभी भी लगी है, एक पहला और ये दूसरा है। ये काफ़ी अच्छा हुआ है, इसका साइज़ भी अच्छा है एंड बहुत टाइट भी है। और यह है मेरी 3री जुकनी, ये छोटू सी है, क्यूट सी। तो आप भी जुकनी लगाइए और उसका लुफ्त उठाइए। ये है मेरा वाटर लिली का टब, गर्मियों में देखेंगे इनका क्या हाल है, सर्दियों में तो ये डोरमेंसी में जा चुके हैं। ये कुछ पॉट्स हैं जो मैंने अनलॉक नेचर से लिए थे। और अब आगे बढ़ते हैं कोकोनट। ये है मेरा कोकोनट का प्लांट, ये मैंने फ्रूट्स के लिए नहीं लगाया था, ये मैंने सिर्फ फोलियज के लगाया था। तो अब काम शुरू करते हैं डेड हेडिंग का। डेड हेडिंग को पता है क्या करना है, हमें जितने भी पुराने सूखे फूल और ब्रांचेस हैं उन्हें हटाते हैं। आप बोल सकते हैं हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं गुलदाउदी की, क्योंकि टाइम अब चला गया है, हम अगले सीज़न के लिए इसी प्लांट को बचाएंगे। जितने भी येलो वाले देख रहे हैं सिर्फ मदर प्लांट पर रखूँगी, बाकी सब कट कर दूँगी। आज कट नहीं करूँगी, आज सिर्फ डेड और ड्राई फ्लावर्स एंड ब्रांचेस ही हटाऊँगी, क्योंकि अभी
तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, तो इनको एकदम से नहीं हटाएंगे। एक बार बारिश हो जाएगी जनवरी में, उसके बाद ये फ्लावर्स अपने आप ही सब ब्राउन पड़ जाएंगे, तब मैं इनको जड़ से निकाल दूँगी। सिर्फ एक येलो वाला प्लांट का मैं बनाऊँगी। ये सारे मैंने खुद प्लांट बनाए हैं एक स्टेम की कटिंग से। तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है गुलदाउदी के बारे में, आप जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, वरना आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर सकते हैं। अब दूसरी बारी आती है पिंचिंग की। तो पिंचिंग मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुकी थी, अब मैं वो फ्लावर्स हटा रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि कल परसों अगर मैं छत पर नहीं आऊँगी और वो सूख जाएंगे या डल मुरझा जाएंगे, तो मैं उनको भी हटा दे रही हूँ। तो आप पिंचिंग करना ना भूलें, और डेड हेडिंग, प्रूनिंग, ट्रिमिंग, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं ना जिसमें सीजर और पिंचिंग का यूज़ होता है, वो आप अपने टाइम टू टाइम प्लांट्स में देते रहिए और देखिएगा कि एकदम बंच में फ्लावर्स आएंगे, ये मेरा दावा है। पिंचिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, वही सारे फ़ायदे आपको डेड हेडिंग से भी मिलेंगे और ट्रिमिंग से मिलेंगे। नई ग्रोथ होती है ब्रांचेस की, बर्ड्स की, नए फ्लावर्स आते हैं, न्यू स्टेम्स होती हैं, तो पिंचिंग करते रहना चाहिए, एक साइकिल मेंटेन होती है। तो अब तीसरा काम है मेरा वे वाटर का। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि मेरी जो स्ट्रॉबेरीज थी उसमें फ्लावर्स आ चुके हैं, कुछ में फ्रूट्स आ चुके हैं, तो उस टाइम पर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। दो बार हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है, जो कि कंपलसरी मानिए, फ्रूट्स और फ्लावरिंग के टाइम, और जब आप एक बार हार्वेस्ट कर चुके किसी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल में, उसके टाइम हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि ये जल्दी यूज़ होता है प्लांट्स के थ्रू, वो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी रिजल्ट आता है। वे वाटर के इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, कैसे देना है, क्या रेशियो है, सारा कुछ मैं एक वीडियो में बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक को एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा। वे वाटर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड कैल्शियम, एंड साथ ही साथ इसमें आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस भी मिलता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरा जो सिक्स्थ काम है, या छठवां मैं बोलूँ, सारे काम करने के बाद सबसे आसान काम मैं लेती हूँ, वो है पानी डालना। पानी डाल के मेरी छुट्टी हो जाएगी और मैं घर चली जाऊंगी, आई मीन अपने रूम पे चली जाऊंगी। तो वाटरिंग स्केड्यूल आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं विंटर्स में? मेरा वाटरिंग स्केड्यूल विंटर में होता है वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक बार देती हूँ, और दूसरी बार जब भी इसका टाइम आता है तो मैं प्लांट्स की मिट्टी चेक करती हूँ, दो से एक से दो इंच की मिट्टी अगर गीली है तो मैं पानी नहीं देती हूँ। इस वक्त मेरे कुछ गुलदाउदी के प्लांट्स में एफाइड्स का अटैक है, तो मेरे पास अभी नीम ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप पानी से भी तेज़ धार से उस पर छिड़काव करेंगे तो भी एफाइड्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं फ्लावर्स और बर्ड्स पे इस बार इसलिए दे रही हूँ पानी, क्योंकि अभी ये गुलदाउदी जाने वाली है और मुझे इसको गुलदाउदी को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, इसलिए हम फ्लावर्स और बर्ड्स पे पानी दे रहे हैं। वरना जब गुलदाउदी का सीज़न होता है तो अवॉइड करिएगा फ्लावर्स और बर्ड्स के ऊपर पानी डालना, सीधे सॉइल में पानी दीजिएगा। ये टेक्निक मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि एफाइड्स आगे और जो प्लांट्स हैं मेरे उन पे अटैक ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अंडर वाटरिंग से ज़्यादा खतरनाक होता है ओवर वाटरिंग, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ज़्यादा पेड़ मरते हैं। तो जब भी आप अपना वाटरिंग स्केड्यूल मेंटेन करें, चाहे हो समर या हो विंटर, एक बार प्लांट की मिट्टी देख लें, एक से या दो इंच की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, तभी प्लांट को पानी देना चाहिए। तो जाते जाते मैंने देखा है कि मेरी कोरिएंडर हो गई है धनिया, लेकिन पाले की वजह से कुछ कुछ लीव्स इसकी काली पड़ रही हैं, तो मैंने सोचा सारी धनिया मैं साफ़ कर देती हूँ, हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर इसमें मैं वे वाटर डाल दूँगी और नेक्स्ट ग्रोथ का इंतज़ार करूँगी। कैसे धनिया उगानी है वो भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, हाउ टू स्टार्ट योर विंटर वेजिटेबल गार्डन में आपको मिल जाएगा। अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन में कुछ ऐसी सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आप कंटेनर गार्डनिंग भी शुरू कर सकते हैं मेरे जैसे, होममेड ऑर्गेनिक फ्रेश कोरिएंडर जस्ट फॉर यू। बहुत खुशी होती है अगर आप एक सीड से कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स को ग्रो करें और उनको बढ़ता देखें और उसके बाद हार्वेस्ट करें, और आप उसी हार्वेस्ट को आप यूज़ करें अपनी सब्जियों में, क्या बात है। तो मेरे सारे काम हो गए, वे वाटर डाल दिया, डेड हेडिंग कर दिया, यहाँ पर मैंने पिंचिंग भी कर दिया, अब देखिए कितना सही लग रहा है ना मेरा प्लांट, और अब क्या मैंने वाटरिंग भी कर दिया है। तो अब मैं चलती हूँ, काफ़ी थक गई हूँ, शाम हो गई है, 6:30 बज गया है। बाय, टेक केयर, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ,
अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।